हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान के बारे में। बताया जा रहा है यह फिल्म फुल टूस एक्शन से भरपूर होने वाली है और पठान की कामयाबी के बाद इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी शाहरुख के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बताया जा रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर की टीम ने जवान में एक्शन सीन्स को डायरेक्ट किया है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ थ्रिलर और सस्पेंस भी है। यह फिल्म हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए और पठान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफी है। यह फिल्म साउथ स्टार कास्ट से भरी पड़ी है। शाहरुख के साथ संजय दत्त भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगे। संजय दत्त का रोल पहले साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और थलपति विजय को ऑफर हुआ था, किसी कारणवश उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। पर चिंता करने की बात नहीं है, ये दोनों जवान फिल्म में शाहरुख के साथ टाइटल सॉन्ग पर अपने डांस का जलवा बिखरते नजर आएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि यह फिल्म साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की सुपरहिट फिल्म थेरी की रिमेक है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे, मतलब फिल्म में धमाका भी डबल होने वाला है। फिल्म में संजय दत्त का रोल भी दमदार बताया जा रहा है। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें साउथ के स्टार सेतुपति विजय, साउथ की हीरोइन नयनतारा, प्रिया मणि, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा जैसे कई बड़े स्टार कास्ट शामिल हैं। हाई बजट की इस फिल्म में उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है और कमाई के मामले में हॉलीवुड की सारी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी। फिल्म को साउथ एक्शन मूवी मेकर के किंग कहे जाने वाले हाटली ने डायरेक्ट किया है। अनुमान है इसी साल 2 जून को फिल्म 7 से 8 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।